हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पहुंच गई हूँ ट्रेन स्टेशन और आप सब सोच रहे होंगे कि क्यों मैं पहुंच गई ट्रेन स्टैंड इतनी जल्दी सुबह। तो आप सबको मैं बता दे रही हूँ, सरप्राइज है आप सबके लिए। मैं जा रही हूँ अभी दिल्ली और मुझे कुछ काम है अर्जेंट, तो मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। और मैं अभी टाइम हो रहा है, आई थिंक टाइम हो रहा है 6 o'clock, तो मिलते हैं हम दिल्ली में, जल्द मिलने वाले हैं दिल्ली में। और मैं आज ना रात से पैकिंग कर रही थी क्योंकि मुझे थोड़े टाइम के लिए रुकना है। थोड़े टाइम मीन्स रुकना है, मैं बता दूंगी जैसे जैसे मेरा काम होता रहेगा, और मैं बता दे रहूंगी कि कितना टाइम लगेगा और कैसा क्या आगे का प्रोसेस। वहां जाने के बाद मैं बताऊंगी, टाइम तो लगेगा मुझे वहां पे। तो अब मैं अभी ट्रेन आने में टाइम है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने सब्सक्राइबर से बात कर लेती हूँ, आप सब से बात कर लेती हूँ। और मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है एंड मैं हैप्पी भी हूँ कि मैं वहाँ जा रही हूँ, बट इट्स ओके। एंड यू नो, मैं इतने टाइम के लिए जा रही हूँ तो ऑब्वियसली जिम तो स्किप करना पड़ेगा। एंड देखती हूँ वहाँ जाते पहले तो मैं जिम के लिए देखूँगी, क्योंकि उसके बिना मैं नहीं रह पाऊँगी। कुछ कुछ सामान छोटी छोटी मैं लेके जा रही हूँ, इंस्ट्रूमेंट क्या एक दो चीज़ें हैं मेरे पास, वो मैं लेके जा रही हूँ। एंड वहाँ जाते ही पहले सबसे पहले मैं जिम देखूँगी, क्योंकि उसके बिना तो मेरी लाइफ जो है वो अधूरी है। तो पहले तो फटाफट मैं जिम एंड देखती हूँ क्या वहाँ पे कैसा होता है, क्या होता है जो काम करने के लिए जा रही हूँ, वो कैसा होगा, कैसा रहेगा। वहाँ जाते ही फिर मैं आपको आगे बताती रहूँगी। आते हैं दोबारा, तब तक आप सब बने रहिए रंजू फिटनेस यूट्यूब चैनल के साथ। ट्रेन आएगी फिर अंदर में बैठूँगी, फिर मैं बात करूँगी, तब तक बाय। मैंने खाना भी खा लिया और मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। अब मुझे जहाँ जाना है वहीं जाऊँगी एग्जैक्टली। पहले तो मेट्रो लूँगी, और आप सब देख सकते हो जब मैं घर से आई थी ना, निकली थी तब एक भी पिंपल्स नहीं थी, अभी देखो कितनी सारी पिंपल्स आ रही है फेस पे, बिकॉज मैं कभी एसी में बैठी हूँ। ट्रेन में तो एसी में थी, उसके बाद ट्रेन स्टेशन पे वेट कर रही थी, वहाँ पे बहुत गर्मी थी, एकदम से पिंपल आ जाती है मेरे फेस पे, ऑयल भी निकल रही है, देख रहे हो आप सब। और यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी सी पिंपल आ गई है, और पीछे देख सकते हो आप सब, ये है स्टेशन जहाँ पे मैं रुक के खाना खा रही थी। खाना तो कुछ भी नहीं खाया, मैं घर से लेके आई, मैं निकल चुकी हूँ। ये देखो यहाँ से मैं आई थी, ये है 16 प्लेटफॉर्म नंबर, और वहाँ से मैं बाहर को जा रही हूँ, और यहाँ से मैं मेट्रो लूँगी। अभी क्योंकि मुझे गंदा लगता है, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो, आई होप आप सब ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और फिट हूँ। और अब मैं रेडी हो गई ऑफिस आने, मैं हूँ अभी दिल्ली में और मैं जा रही हूँ ऑफिस, मैं एकदम रेडी हूँ आप सब देख सकते हो ऑफिस आने के लिए। और ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, ड्राई ब्रेकफास्ट में खाया मैंने एप्पल और ड्राई फ्रूट्स। तो आई मिस यू ब्राउन ब्रेड एंड ऑमलेट। पता है थोड़ी दिन के बाद है, फिर मैं अपने घर जाऊँगी और मैं वही डाइट पे आ जाऊँगी। अभी तो मैं बहुत पतली हो गई पहले से, एक दो दिन में ही वेट लूज होगी मेरी, इट्स ओके यार। अब मैं लेके चलती हूँ आप सबको, कपड़े देखी है आप लोगों ने वहाँ, मेरे कपड़े नहीं है, वो आंटी जी के कपड़े हैं। और
और मैं अपने बैग में लेके जा रही हूँ, मैं दिखा देती हूँ आप सबको। मैं अपने बैग पर्सनली मतलब आई लव साइड बैग, तो ये लेके जा रही हूँ। एंड आप सबको ये भी दिख रहा होगा, ये खलारा मचा हुआ है। एक्चुअली क्या है, अभी मैंने सेट नहीं किया है कुछ भी, तो ऐसे ही आप देख सकते हो। मैंने कल से एप्पल ही एप्पल खाया है और मेरे पास सिर्फ एक एप्पल बचा हुआ है, इसको भी मैं खा जाऊंगी। एंड नाउ आई लव ड्राई फ्रूट्स, तो मैं इसको हमेशा साथ में लेके चलती हूँ, बिकॉज मेरे को जब भी भूख लगती है तो मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। एंड अब मैं क्या लेके जा रही हूँ, अगेन पर्स। आप सब सोच रहे होंगे कितने सारे पर्स लेके जा रही है, इसके पास बहुत पैसे हैं। नो, इसमें कुछ और है, ड्यू। आई लव ड्यू, स्मेल आएगी। गर्मी है बट जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे तो एसी है, बट एसी तो है बट बाहर जब जाऊँगी एक दो मिनट के लिए तो ऑब्वियसली स्वेटिंग हो सकती है, तो इसलिए मैंने ड्यू लिया। देन चार्जर, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आजकल, यू नो। एंड अब मैं, ये देखो रूम में खलारा मचा हुआ है, तो मैं आप सबको रूम नहीं लेके जाऊंगी, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए। और छोटी छोटी पिंपल्स देख रहे होंगे, जब मैं उठी थी तो मुझे पिंपल्स नहीं दिख रही थी एक भी, अभी धीरे धीरे गर्मी लगेगी मुझे तो और पिंपल्स आती रहेगी, निकलती रहेगी। मीन्स कोई बात नहीं, फोरहेड में भी देख सकते एक दो है। यार मैं कोई ऑयली फूड नहीं खा रही हूँ, इट्स ओके। कुछ चीज़ें होती है कि जो हमें पता नहीं होता, और तो ऐसे ही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि जो मेरी फेस है उस पर पिंपल्स क्यों आ रही है। आने दो, इसको इग्नोर करो, है ना। कुछ चीज़ें लाइफ में इग्नोर करनी पड़ती है ना, जैसे कि मैं अपनी पिंपल्स को इग्नोर करती हूँ, और जो चीज़ मैं इग्नोर करती हूँ, और टाइम हो गया आई थिंक, मैं टाइम देखती हूँ क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि गाड़ी आ जाएगी तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी तो कंप्लेंट हो जाएगी। आई एम गेटिंग लेट, अभी 2 मिनट के लिए आप सबको मैं पॉज कर रही हूँ। मैं अपना बैग उठा रही हूँ, लॉक लगा रही हूँ रूम में, फिर मिलती हूँ बाहर आप सबसे। ओके बाय बाय। गाड़ी आ गई होगी, अभी कॉल तो नहीं आया है, अभी जस्ट मुझे लगता है कॉल कर दी। हाय हाय, आज ब्लॉग बिकॉज मैं 2-3 दिन तक बहुत ही ज़्यादा बिजी थी यहाँ पे, और ये दिल्ली है देख सकते हो आप। इस साइड जाना है ना हमें, इस साइड, और हम हाथ पकड़ के क्रॉस कर रहे हैं, और ये सोसाइटी की गली है ना, और इतना ज़्यादा रश है ना आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं थोड़ा सा मेन मार्केट नहीं रोड मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, अभी दिखेगी आपको आगे, रश है ना बहुत ही ज़्यादा, क्राउडिंग है बहुत ही ज़्यादा, देख सकते हैं मिट्टी धूल खड्डा टाइल्स टूटे हुए टुकड़े पता नहीं क्या क्या, ये दिल्ली है भैया, ये कहने के लिए है ना, दिल्ली दिल वालों का है ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही रश होता है, क्राउडिंग होता है, यस। यहाँ पे देखोगे ना आप, यहाँ पे कोई एक जगह एक सेकंड के लिए नहीं खड़े रहते हैं, स्टैंड नहीं होते, सिर्फ भागते रहता है ना ऑल टाइम एवरी टाइम एवरीवेयर, मेट्रो ऑटो गाड़ी बस ट्रक सारे भागते रहते हैं ना, एकदम। ओह माय गॉड, और गर्मी और धूल तो सबसे ज्यादा नेपाल से भी ज्यादा, ठीक है ना। तो अभी हम जा रहे हैं, आप सब सोच रहे होंगे कि इतनी धूल मिट्टी क्राउडिंग में हम कहाँ घूम रहे हैं, तो हमारे को कोई क्रेज नहीं है यहाँ घूमने के लिए और ना ही शौक। यस, हम वहाँ जा रहे हैं ग्रूमिंग के लिए, कहाँ, सैलून। तो यस, तो एक्चुअली क्या है ना, हम जब हम अपने ऑफिस से आ रहे थे तो हमारे को, हम ऑफिस में ही सर्च कर रहे थे, एक दो अपने दोस्तों को मैंने बोला था यार सर्च कर दे कि यहाँ पे गर्ल्स सैलून कहाँ पे है, तो उसने जो सर्च किया था तो ऑब्वियसली उसी लोकेशन का है ना, तो
तो वो बहुत दूर दिखा रहा था, बट लकली प्रीति एंड गार्गी घर जा रही थी रूम और मैं साइड में थी, उनको दिखा कि एक लेडी खड़ी थी एडवर्टाइजमेंट के लिए नो और ये तो नहीं है, नहीं ये नहीं है। अच्छा आज ही चल के देख लेते हैं कैसे होगा। यस क्योंकि ये जो शेप है मेरी ये बहुत ही मुश्किल से आई डोंट नो वो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। इन दोनों को नीड नहीं है बिकॉज इनकी जो ग्रोथ है आईब्रोज की वो लो है, कह सकते हो थिन है ना। मेरी जो ग्रोथ है फेस पे जो बाल आती है तो मैं कहीं भी जाते हैं तो हम तीनों साथ में जाते हैं, और मैंने सोचा कि मेरी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, एक तो पेन भी होती है, ये तो नहीं है आई थिंक यही है क्या। हाँ हाँ पे हाँ भूल गई आई थिंक, छोड़ दिया मैंने। अरे यार शिट, देखना जरा वो उस पर सर्च करो, मेरे को पेपर दिया था फॉर्म घर में भूल आई, गूगल से यहाँ आस पास में चैट करके कुछ था उसमें। अरे यार शिट यार वो ना फॉर्म भूल गई घर में, हाँ ढूंढ लेंगे पास में चैट करके कुछ नाम था, सर्च करो स्प्रीति आप। फिर हम जा रहे हैं सैलून, मैंने सोचा कि ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो इनको पता नहीं चलेगा मेरी जो थ्रेडिंग है तो ख़राब कर देगी, इसलिए थोड़ी सी ग्रोथ हुई है तो मैंने सोचा उसको मैं अच्छे से करवा लूँगी और उनको भी पता चल जाएगा और मेरी जो थ्रेडिंग है वो ख़राब ही नहीं है। ये हम किसी की सोसाइटी आई मीन बिल्डिंग घर में आ गए तो हम वापस आ रहे हैं और चलो चलो। और ATM कहाँ पे है? ATM यहाँ पे है घर के, आप सुन रहे हो। और ATM में पैसे भी निकलवाने थे तो गार्गी जा रही है क्योंकि साथ में है तो वो भी काम हो जाएगा। और यहाँ पे पतंजलि भी है तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा है यार, पास में सारा कुछ मिल जाएगा और हमें जो कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था सामान इजीली हम ले सकते हैं, और वो भी रामदेव बाबा का यू नो शुगर फ्री फैट फ्री सब कुछ प्योर। और आप सब देख सकते हो ये है दिल्ली, ये है दिल्ली, ये है दिल्ली और हम भी दिल्ली के अंदर ही है अभी है ना। और यहाँ पे बन रहा है बिरयानी इस कोने में, आई डोंट थिंक तो आपको दिख रहा है या नहीं, साइड में जूस वाला भैया भी है तो हम जैसे वापस आएंगे सैलून से तो जूस भी पीना है। और उस साइड मारुति सुजुकी की आई मीन गाड़ी की शॉप हो गया थी। हाँ तो अब हम मिलते हैं, आपको मिलूंगी मैं या तो सैलून के पास या तो मैं सैलून से जैसे बाहर आती हूँ फिर मिलती हूँ आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब बने रहो रंजू फिटनेस यूट्यूब चैनल के साथ। बाय। ओके ये दोनों जा रही है कुछ लेने के लिए, तब तक मैं आ गई सैलून, दीदी मेरी वेट कर रही थी है ना दीदी जी। वैक्सीन और थ्रेडिंग गर्ल्स के लिए ये है। अरे वाह सो ब्यूटीफुल गर्ल्स इज देयर, ब्लश ऑन कर रही है। ओके और मेरी पिंपल्स देख सकते हो आप सब। दीदी मैं इस पिंपल्स को कैसे ठीक करूं? AC चला दो प्लीज, AC ऑन कर दो, मुझे ना स्वेटिंग की प्रॉब्लम है। ओके आप थ्रेडिंग करोगे? वेरी नाइस, AC फैन दोनों चला दो नहीं तो जो आप थ्रेड करोगे। और ओके आप सब देख सकते हो मैं आ गई सैलून और सैलून के अंदर हूँ, और ये रही दीदी जो मेरे को वहाँ मिली थी, अब मेरे को तो नहीं स्प्रीति और गार्गी को मिली थी है ना दीदी। अब लेट्स गेट स्टार्टेड फीडिंग के लिए, उसके बाद
देखो हम आ गए सैलून वाला काम करके, और जो लेना था मार्केट में वो सब शॉपिंग करके आ गए। गार्गी को कुछ लेना था, स्पीति को कुछ लेना था, मुझे भी, और जो जो लेना था वो सारे काम कंप्लीट करके आ चुके हैं। हम अभी जा रहे हैं रूम, और हम आई थिंक बहुत ज़्यादा लेट हो गए। आप सब ने देखा होगा हम दिन दिन में, मतलब इवनिंग में जा रहे थे, अभी बहुत रात हो चुकी है, बिकॉज टाइम लग गया वहाँ। तो फटाफट घर जाएंगे, जूस पीना है पहले, खाना खा लूँगी, उसके बाद डायरेक्ट रूम चली जाऊँगी। और तब तक के लिए आप सब देखते रहो रंजू फिटनेस यूट्यूब चैनल, और बाय, राधे राधे, एंड डू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब, और लाइक करना नहीं भूलना है, देखिए, हाँ ये बोलो एकदम, लाइक करना नहीं भूलना है।